नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तहरी, यानी कि नमकीन चावल, यानी कि पुलाव, यानी कि वेज बिरयानी। सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए होंगे चावल, चावल तो अलग रख दो। फिर हमें चाहिए चार प्याज। हम पांच लोग हैं तो पांच लोग के हिसाब से बना रही हूँ, तो चार प्याज और इनफ। अब हम इसको करेंगे चॉप अपना, नहीं सॉरी ऐसे काटे ऐसे नहीं काटते दोस्तों, मर जाओगे। मैं कुकर में तेल डाल चुकी हूँ, फिर उसमें जीरा डाल चुकी हूँ, फिर प्याज भुनने के लिए डाल चुकी हूँ। मैं टमाटर चॉप करूँगी। वैसे अगर मास्टर शेफ है, क्या मास्टर शेफ आप टमाटर चॉप करके दे देंगे मुझे? प्लीज़ मास्टर शेफ, शर्मा है जबकि कैमरा में आप ही नहीं रहे। मास्टर शेफ इज़ वेरी फ्राइड। मास्टर शेफ आप एक बार अपने दर्शन तो करा दो। मास्टर शेफ मेरे खिड़की के सामने, सॉरी मिरर के सामने, उसमें फ्लावर पॉट में चाकू रखा है, उसको ले आइए प्लीज। आपको मेरे घर से नो वेरा करने के बाद मैं चली गई क्या सबके भाई? प्लीज ले आओ यार, देखो ये मुझे मारना चाहते हैं दोस्तों। धो दो इसे एक बार, ये आरी वाला चाकू है, अच्छे से वो कट जाते हैं टमाटर। बाकी हो ना है ये, मुझे आजकल अपने घर में बहुत अनसेफ महसूस हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो इस बात का सबूत है, अगर मेरी मुंडी कट के मैं मरूं या कोई भी शरीर का अंग कट के मैं मरूं, तो आप जानते हैं कि कौन चाकू की तारीफ कर रहा था। दोस्त भी पिटेंगे क्या? दोस्तों भी पिटेंगे? दोस्तों तो हाथ ही नहीं आने के बहुत सारे हैं, 400-450 लोग व्यूअर्स नहीं दिखते, स्टूपिड लोग हैं यार। दो टमाटर में डाल चुकी हूँ, एक और टमाटर में डालूंगी। गाइस आई लव कुकिंग, पर अभी मुझे बाहर जाना था है, और उस बीच में रुक के मुझे कुकिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसे में आई डोंट लाइक कुकिंग। पर खाना बनाते हुए मनुष्यत नहीं चलानी चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे पीट पीट के सिखाया है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करती हूँ। अगर मेरी आवाज़ से ज़्यादा कुकर की आवाज़ आ रही होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मेरे लिप्स तीसरा टमाटर भी कट चुका है। जय माता दी। हाँ चोरी पकड़ी गई। पानी ला दो भाई, प्लीज पानी ला दो भाई, प्लीज पानी ला दो भाई, भाई पानी ला दो भाई। देखो दोस्तों पानी नहीं पिला रहे मुझे, कॉफी कर ले। आटो जल्दी भाई, मैं चाहिए थोड़ा सा। अगर हल्दी घाट लग गया और शर्ट पीट पी ले गई तो नहीं, देखो धमकी दे रहे हैं कि वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, डोमेस्टिक वायलेंस, जो मुझे बोलना नहीं आ रहा वो कर रहे हैं। डोमेस्टिक नहीं, वाइल्ड वायलेंस कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सिबलिंग वायलेंस हो रहा है दोस्तों। पानी पिला दो, पानी नहीं पिला रहे मुझे, देख लो दोस्तों कैसा, दुश्मन को पानी के लिए नहीं मना करते, मैं तो इनकी सर की बहन हूँ भाई। स्पॉटेड झुक गए, स्पॉटेड भाग गए, स्पॉटेड। तो क्या हो रहा है, डोला क्यों आ रहा है व्लॉग में बीच में? भाइयों की पता नहीं क्या आदत है, बकवास इतनी खाने पीने में नाचने दम कर सकते हैं। मेरी सोयाबीन सोया चंक्स सोक हो चुकी है दोस्तों। मैं तो फिर पानी डाल दूंगा कि इनमें ये कच्ची ना रह जाए, मतलब कि इसमें जो पानी है उनके साथ, या फिर पानी हार्दिक भाई को एक्चुअली ना चिकन खाने का बहुत शौक है, तो इसलिए सोया चंक यूज कर रहा है कि इनकी आंखों का तो वो संतुष्टि हो जाए, ऐसा मीठी मीठी। भगवान से कर भगवान। मैं अब वीडियो बंद नहीं कर सकती, मैं पिट जाऊंगी दोस्तों, आपको मेरी कसम मारोगे नहीं, मैं काट दूंगी। भाई पिला दो भाई, ये मीट खा के इंसान अगर अक्सर बहुत अग्रेसिव हो जाता है। सॉरी इन फ्रेम रहना पड़ेगा मुझे।
मैं आपको कॉफी पीते हुए पानी देखा हूँ, ऐसे पी रहे हैं ऐसे मैं टेस्ट कर। ठीक है झेलने लायक है। ये छोटी सी उंगली देखी आपने अगर आपने अपने पुलाव में कोई मसाला नहीं डाल रहे हो और अगर आपको थोड़ा उसमें कुछ तो अच्छा सा फ्लेवर चाहिए तो जो आम के अचार का तेल होता है ना आप वो उसमें डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। स्टे हाइड्रेटेड दोस्तों, देंगे नमक स्वाद अनुसार। देखो मेरे कुकिंग के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप हर चीज स्वाद अनुसार डालिए। ये धनिया पाउडर बहुत सारा डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। लाल मिर्च बिल्कुल नाम की, क्योंकि मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और हमारे यहाँ पे कोई भी स्पाइस वगैरह नहीं खाता है। उस मसाले को टेस्ट करना चाहेंगे, जो बात है मजे आ गए। मैंने इसमें अदरक भी ग्रेट करा था और बाकी देखो भी मैंने चावल डाले हैं, पानी डाला है। अब क्या है कि पानी की क्वांटिटी कितनी रहती है, तो जो चावल जब एक लेवल में हो जाए तो उसके इतना ऊपर होना चाहिए, इतना ऊपर ही जो लाइन होती है ना इतना ऊपर, उससे आपके चावल ना तो घुटेंगे ना ही कच्चे रहेंगे। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट होती है। ठीक है मम्मी, थोड़ा सा घी भी डालूंगी क्योंकि फ्लेवर, और हम इसमें एक सीटी लगाएंगे। एक सीटी में इस कुकर में ये वाले चावल बन जाते हैं, बाकी चावल टू चावल डिफर करता है और कुकर टू कुकर भी डिफर करता है। बाय दोस्तों, तो शेफ की मास्टर डिश तैयार हो गई है दोस्तों, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको लोगों को मैं बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा टेस्टी है। ये तैयार हो चुकी है, मैं मम्मी को दे रही हूँ क्योंकि मैं तो जा रही हूँ बाहर पर, मैं घर पर आकर तहारी ही खाऊंगी। भाई बहुत टेस्टी है ये दोस्तों। अब मुझे भाई घुमा कर लेकर आएंगे आज बाहर, क्योंकि मैंने अब घर का काम कर दिया है और भाई के हिस्से का काम भी कर दिया है, तो क्योंकि मम्मी बीमार है तो माता का काम करते थे बचपन से, पर इन्होंने बर्तन नहीं धोए बल्कि फैलाए हैं और कैसे एक गिलास में पानी पिया फेंक दिया, फिर 5 मिनट में पानी पिया तो दूसरा गिलास उठा लिया, इन्होंने 25 गिलास में पानी पिया है आज 2 घंटे के अंदर अंदर। अभी मुझे मारेंगे, देख रहे हो आपकी मेरे पे कितना अत्याचार होता है। जाने देंगे पापा, पासपोर्ट हूँ मैं, आपको पता है बात। तो हम जा रहे हैं, बाय दोस्तों, मैं सुंदर लग रही हूँ, टाटा।